चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सिक्स क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश क्रम से है। आपको Q1 दिया हुआ है 8×10⁻¹⁹ कूलम। Q2 कितना दिया हुआ है? −8×10⁻¹⁹ कूलम। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का दिया हुआ है ये। द्विध्रुव तो लग ही रहा है ना, ये Q1 Q2 समान परिमाण है, विपरीत आवेश है। इन दोनों के बीच की यदि दूरी दी हुई है तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम 2D से व्यक्त करते हैं। पता है ना आपको, द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम 2D से व्यक्त करते हैं। इस द्विध्रुव से R दिया हुआ है 4×10⁻¹ मीटर की दूरी पर इसे विभव ज्ञात कीजिए। कौन सा वाला? अक्ष पर। ओके, वी अक्षीय है, वी निरक्षीय है, वी जब थीटा क्या हो 60 डिग्री हो। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अक्षीय के लिए एंगल 0 होता है, निरक्षीय के लिए 90 होता है, इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है। तो अब हम करवाते हैं। ठीक है, फटाफट से उतार लीजिए इसको। पहला, अक्षीय स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 0, तो v क्या होगा? kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी होती है? 9×10⁹. p की वैल्यू कितनी होती है? q×2d. q कितना है? कोई भी ले लो। 2d कितनी है? ये नहीं, सॉरी, ये। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू को पुट करो, p की जगह ये आ जाएगा पूरा 16×10⁻¹⁹ cos 0 अपॉन r का स्क्वायर, ये 4×10⁻¹⁵ का स्क्वायर। तब आपको जो सॉल्व करना है वो सिर्फ इतना करना है, cos 0 की वैल्यू बन होती है, उतार लीजिए, ये आपको सॉल्व करना है, अक्षीय स्थिति के अंदर आंसर आ जाएगा। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? थीटा 90, तो v इज इक्वल टू kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो निरक्षीय स्थिति में जो v की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सेकंड का डायरेक्ट ही आंसर आ गया 0। सी पॉइंट, जब थीटा क्या हो 60 दिया हुआ है, वी इक्वल टू kp cos 60 अपॉन r स्क्वायर, के की वैल्यू, पी की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो जो ये आंसर है ना उसका हाफ कर देना,
देखो ये चीज तो सेम है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, ये चीज तो सेम है, तो जो आंसर आएगा उसमें आधा कर देना, थर्ड का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पढ़ लीजिए जिन्होंने भी ये कर लिया हो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेवन? इंपॉर्टेंट भी है। वी दिया हुआ है आपको 343 अपॉन आर रूट, और आर वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर। विद्युत क्षेत्र ई हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, ई होता है माइनस के डेल वी अपॉन डेल आर, आर कैप माइनस के डेल वी अपॉन डेल आर, आर कैप, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो अब सबसे पहले इसके अंदर डेल वी अपॉन डेल आर निकालूंगी। एक तरीके से ये डी वी अपॉन डी आर ही है, डी अपॉन डी आर 343 अपॉन आर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, जानते हो ना इसको तो सॉल्व करना, बहुत अच्छे से जानते हो, उतारो इसको। ये वैल्यू यहां पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर होता है, ठीक है, यहाँ पुट करो। माइनस तो पहले से ही है, यहां भी माइनस आ गया, तो यहां क्या हो गया 343 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। आर वेक्टर है अपने पास, ये निकालना है मॉडुलस ऑफ आर, तो आर कैसे निकलता है, किसी भी चीज का मॉडुलस एक्स का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 36, तो आर कितना आ रहा है, अंडर रूट 49, मतलब कि 7 मीटर, ठीक है। तो ई वेक्टर हो गया 343 अपॉन 7 का क्यूब, आर वेक्टर कितना है, वापस यही उतार दो, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, 7 का क्यूब 343 ही होता है, बस पूरा उतार लो उसको, हो गया कंप्लीट। लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 8 भी लगभग ऐसा ही है।
क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर एक, आपको वी दिया हुआ है, कितना 6x माइनस का 8xy माइनस का 8y प्लस का 6yz। इसमें आपको बोला है बी वोल्ट पर एक 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 बिंदु एक 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 विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि ई वेक्टर क्या होता है, माइनस के डेल वी अपॉन डेल आर आर कैप यही होता है। तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड आर कैप लिख लो। ठीक है, आर को किस चीज के अंदर चेंज कर दिया, एक्स वाई जेड। लेकिन अब हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब आर कैप आपको दे रखा है तो इसको भी तो तोड़ोगे आप, तो यहाँ आ जाएगा आई कैप, यहाँ आ जाएगा जे कैप और यहाँ आ जाएगा के कैप। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, अब हम डेल वी अपॉन डेल एक्स इसको दे दो समीकरण नंबर एक, डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, क्या है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस के 6yz। बेटा देखो, जो क्वेश्चन ध्यान देने लायक है उनको मैं पूरा करा रही हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम होगा उनको बहुत धीरे करा रही हूँ। वही जब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आता है तो मैं फॉर्मूला लिख के छोड़ देती हूँ कि आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अभी टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए हम इसमें धीरे धीरे पूरा एफर्ट डाल रहे हैं कि पूरा समझ में आए। डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, इस वाले का क्या होगा 6, इसका क्या होगा माइनस 8y। अब आपको आने चाहिए डिफरेंशिएशन, इसमें x है नहीं तो 0, इसमें भी x नहीं है तो इसका भी 0, सिर्फ इतना आएगा। समीकरण नंबर दो, डेल वी अपॉन डेल वाई लिखो, वैल्यू क्या है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz कीजिए। इसका जीरो क्योंकि y नहीं है, इसके अंदर y है, इसका क्या आ जाएगा माइनस के 8x, इसके अंदर y है माइनस का 8, इसके अंदर भी y है 6z। इक्वेशन नंबर थर्ड, फिर z के रेस्पेक्ट में यदि किसी को नहीं आती है डिफरेंशिएशन करना तो उसको हमारी वीडियो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखनी पड़ेगी, और वो बच्चे खुद ही बता देंगे कि कहाँ मिलेगी वो वीडियो, हमारे चैनल पे मिलेगी। ठीक है, जेड के रेस्पेक्ट में ये जीरो ये जीरो ये जीरो सब इसी में ही है जेड 6y। इक्वेशन नंबर फोर्थ, डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल वी अपॉन डेल वाई आ गया, डेल वी अपॉन डेल जेड आ गया, बस इन तीनों की वैल्यू इसमें उठा के रखनी है। बोर्ड तो छोटा पड़ गया तो फटाफट से इसको उतारो, पहले तो अब देखो फटाफट से कहाँ लिखूं मैं, ये मैं इसको हटा रही हूँ, वैल्यू अपने को चाहिए ना, एक बार वैल्यू अपन को देखनी ही पड़ेगी। यहां पर वैल्यू जमा रही हूँ मैं इसको, देखो माइनस 6 माइनस 8y आई कैप माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z
जे कैप माइनस सिक्स वाई के कैप। बस अब इसको बता दो, मिट गया। अब बिंदु एक 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 पर निकालना है, तो ई वेक्टर एक 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 माइनस सिक्स माइनस वाई की वैल्यू वन, सिक्स माइनस एट आई कैप माइनस माइनस एट। जितने भी एक्स वाई जड़े थे उन सबकी जगह वन 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 रख दो। देखो यही आ रहा है, और सॉल्व करो इसको। सिक्स माइनस एट माइनस की टू आई कैप माइनस की टेन जी कैप, एक बार चेक कर लेना। सोलह में से छह गए तो दस ही बचे, माइनस के सिक्स की कैप, माइनस के बाहर निकाल लो इन सबको। टू आई कैप टेन जी कैप माइनस के सिक्स की कैप। हमें चाहिए क्या परिमाण, दो का स्क्वायर दस का स्क्वायर माइनस छह का स्क्वायर। एक सौ चालीस वोल्ट पर मीटर, अंडर रूट एक सौ चालीस वोल्ट पर मीटर। इसको चाहे तो आप यही छोड़ दे, वरना आगे सॉल्व कर ले। फटाफट से उतारे और एग्जाम्पल नंबर नाइन्थ पढ़े। अब क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर नाइन्थ, दस सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस अचालक गोले को आवेश कितना दिया जा रहा है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम चार्ज दिया जा रहा है। गोले के केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 4 सेंटीमीटर दूरी पर इस बिंदु पर विभव ज्ञात करो कि ये किस टाइप से गोला है, ठीक है। चार्ज कितना दे रखा है, 3.2 टू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो पहला केस R इज इक्वल टू 14, गोले से बाहर का फॉर्मूला क्या होता है, केपी अपॉन आर, के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, बाहर कितना है 14 सेंटीमीटर, बस सॉल्व करना है आपको। सेकंड क्या बोला है, R इज इक्वल टू 10, सरफेस पे आ गया 10 सेंटीमीटर, तो सतह पे आ गया। सतह के लिए फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपन कैपिटल R, के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, कितना दे रखा है कैपिटल R, ये रहा 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए, उतारो। थर्ड V इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर गोले के अंदर, और विभव के लिए गोले के अंदर के लिए फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन R, 3 माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यही होगा। तो वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, एक सेकंड, KQ अपॉन 2 आ रही है, ठीक है, सही फॉर्मूला है ये बिल्कुल। K की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 2,
आर कितना है रेडियस 10 सेंटीमीटर, 3 माइनस, स्मॉल आर कितना है 4 सेंटीमीटर, अपॉन ये कैपिटल आर कितना है, इसको आपको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। फटाफट से उतारो, टफ पड़ रहा है क्वेश्चन कैलकुलेशन की दृष्टि से, बट ये जब ऐसा क्वेश्चन आता था तो बड़े के अंदर आता है और वैसे तो छोटा पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि एक पार्ट पूछ लेगा कि अंदर बाहर ऐसे एक पार्ट पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, दो प्रोटॉन है उनके बीच की दूरी दी हुई है आपको, प्रोटॉन की अन्योन्य स्थिति विद्युत ऊर्जा का वोल्ट ज्ञात कीजिए, स्थिति ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो U के लिए स्थिति ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, K^q^2/r, K की वैल्यू क्या होगी 9×10^9, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6×10^-19, 1.6×10^-19, यही होता है डिस्टेंस आपको दी हुई है। इसको जब आप सॉल्व करोगे और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए होता है तब हम पता क्या करते हैं, पहले इसको उतारो, यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए तो जो भी आपका आंसर आएगा इसके बाद उसमें इसका डिवाइड कर दोगे आप कि ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब भी आंसर चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देंगे 1.6×10^-19 का डिवाइड हम कर देंगे इसके अंदर,